और अब बात प्रधानमंत्री के ध्यान योग की करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के होशियारपुर में 2024 के लोकसभा चुनाव का आखिरी प्रचार करने वाले हैं। होशियारपुर में प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे एक विशाल फतेह रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री अपने आध्यात्मिक मिशन की ओर रवाना हो जाएंगे। इस बार प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जा रहे हैं। शाम 5:15 पर कन्याकुमारी पहुंचेंगे, भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। बाद में पीएम मोदी समंदर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाएंगे, जहां आज रात 1 जून तक 45 घंटे का वो ध्यान करेंगे। 1 जून को दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे। ध्यान कार्यक्रम पर विपक्ष ने मोदी पर निशाना साधा है। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं, जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी। समझ में नहीं आ रहा है प्रायश्चित करने जा रहे हैं या किसके लिए जा रहे हैं, क्योंकि बीच में उन्होंने कहा था कि मैं खुद ही भगवान हूँ। आप भगवान भगवान के सामने प्रायश्चित करता है, ये तो विवेकानंद के सामने जाके प्रायश्चित कर रहे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो क्या ये अपने आप को इंसान साबित करना चाहती है या भगवान साबित करना चाहते हैं? मैं कहा इसका फैसला 30-31 को, खुद ही भगवान ने भगवान की करा रहे। उन्होंने कहा कि भाई जद मेरी माता जी, मैं सोचा सी जद वो जिंदा सीगा मैं उन्हों का बेटा सी, तो उन्होंने ध्यान के बाद मनु लग्या भगवान ने मैं इतने भेजा। जब बंदा सोचे ना कि मैं सब तो वड्डा, हाँ मैं खुद भगवान हाँ, तो फिर इस किस्म दी गल्लां होंदियां। जिस बंदे को विवेक नहीं, वो विवेकानंद कितने क्यों जा रहे हैं? उन्होंने आज घोषणा की है कि वो विवेकानंद स्मारक जाएंगे, 2 दिन में वहां मेडिटेशन में रहेंगे। वही स्मारक से 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसी जगह से। और कल प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और बैठेंगे मेडिटेशन में। हाँ, बहुत कुछ सोचने के लिए है उनका विषय। 4 तारीख के बाद में मैं क्या करूंगा, गांधीनगर में रहूंगा कि अहमदाबाद में रहूंगा, कहाँ रहूंगा, मेरे खिलाफ जेपीसी की जांच जो होगी अडानी को लेकर, पतंजलि को लेकर, जो हमारे देश के 2 बड़े घोटाले हैं मोदानी और मोदांजलि, उस पर।